हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक कॉन्सेप्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर आपको 75 वोल्ट का झटका लगता है तो क्या आपकी डेथ हो सकती है, तो इस तरीके के सवाल का आप क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि 75 वोल्ट का झटका लगने में क्या आपकी डेथ हो सकती है, अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे, आपको कौन से कॉन्सेप्ट को एक बैकअप बना के इस सवाल का जवाब देना है इंटरव्यू में, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ कि ये होता कैसे है और इंटरव्यू में आपको ये बोलना कैसे है। देखिए, 75 वोल्ट का अगर आपको झटका लगता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी डेथ होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है, और यही वो चीज़ है जो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता है। देखिए, जब भी आपको इलेक्ट्रिक का शॉक लगेगा तो इलेक्ट्रिक का शॉक कितना सीवियर लगेगा और उसके वजह से आपका डेथ होगी कि नहीं होगी, या आपके बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि क्या होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वोल्टेज लेवल कितना है और आपके बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है। अब इन्होंने जो सवाल किया है, इसमें आपको वोल्टेज लेवल उन्होंने बता दिया है कि आपको 75 वोल्ट का झटका लगा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपकी डेथ होगी कि नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी ड्राई कंडीशन में है, पूरी तरीके से सूखी है, तो उस केस में 75 वोल्ट का झटका लगने पे आपकी डेथ नहीं होगी, इस बात की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जब आपकी बॉडी ड्राई कंडीशन में होती है तो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ये 1 लाख या 1 लाख के ऊपर होता है, 1 लाख ओम्स या अबव 1 लाख ओम्स होता है। ये वैल्यू आप उन्हें बिल्कुल बताइएगा जब आप इंटरव्यू में इसका आंसर देंगे। पर अगर मान लीजिए आपकी बॉडी वेट कंडीशन में है, मान लीजिए आप बारिश में भीग चुके हैं, आपकी बॉडी पूरी तरीके से गीली है, और अगर आपके बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम्स तक आ जाता है, तो उस केस में 75 वोल्ट का झटका लगने पर भी आपकी डेथ हो सकती है। ये कैलकुलेशन आप देखिए, एक छोटा सा 2 लाइन का कैलकुलेशन है कि ओम्स लॉ होता है V=IR, यानी कि वोल्टेज =करंट × रेजिस्टेंस होता है, यह हम सबको पता है। तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I=V/R। यहाँ पे वोल्टेज आपको दे दिया है, रेजिस्टेंस अगर आपकी बॉडी का 1000 ओम्स तक गिर जाता है तो आपका जो करंट आएगा, जो करंट आपको लगेगा इस केस में, वो 75 mA का होगा। और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर 50 mA से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट आपके बॉडी में से फ्लो हो जाए तो संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आपकी डेथ हो सकती है। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने आपसे एक छोटा सा सवाल किया कि 75 वोल्ट का झटका लगने पे क्या आपकी डेथ हो सकती है। इसमें उनको ये भी पता चल गया कि आपको ये पता है कि बॉडी के रेजिस्टेंस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। उन्हें ये भी पता चल गया कि ड्राई कंडीशन में बॉडी रेजिस्टेंस कितना होता है, वेट कंडीशन में बॉडी रेजिस्टेंस कितना होता है। और उन्हें ये भी पता चल गया कि अगर 1000 ओम्स ये फिगर आपकी बॉडी रेजिस्टेंस रहता है तो 75 mA का आपके बॉडी में से करंट फ्लो होगा, और उसके वजह से 50 mA से ज़्यादा का करंट फ्लो होने पर आपकी डेथ हो सकती है। इतनी सारी डिस्क्रिप्शन उन्होंने आपसे मांगी है उस एक सवाल को लेके। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इस तरीके से डिटेलिंग में जाकर आपको उसका आंसर देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।